सन 1996 डोरेमोन जापान में एक लेट नाइट शो था। तो जब सभी फैंस डोरेमोन के एक नॉर्मल एपिसोड देख रहे थे, तभी अचानक टीवी पे ग्लिच होना स्टार्ट हुआ और एक दूसरे एपिसोड शुरू हुआ जिसमें नोबिता ऑपोजिट साइड में फेस किए खड़ा हुआ था। करीब 9 से 10 मिनट के बाद नोबिता ने मूव किया और कहा आई हैव टू गो, मतलब अब मुझे जाना होगा, और ये एपिसोड वहाँ ही खत्म हो गया। नेक्स्ट डे सुबह सभी ने एक शॉकिंग न्यूज सुना जो कि था फुजिको एंड फुजियो का डेथ। जब पिछले रात की और नोबिता वाली घटना सबने कहा तो तब ये एक डेथ मिस्ट्री बन गई, क्योंकि सबको ऐसा लगने लगा कि उस एपिसोड के साथ फुजिको ए फुजियो का कोई तो कनेक्शन जरूर होगा। वैसे मेडिकल रिपोर्ट में फुजिको फुजियो के लीवर फेलियर बताया गया है। क्या आपको क्या लगता है, क्या उस रात वाली एपिसोड के साथ फुजिको ए फुजियो के डेथ का कोई कनेक्शन है?